नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जैसे कि पता है, मोती सिंह जोधा ने अरविंद सिंह भाटी को समर्थन दे दिया है। अरविंद सिंह भाटी अब SFI की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो ही चुनाव लड़ेंगे। मोती सिंह जोधा उनके समर्थन में आ गए हैं। इसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट करी है मोती सिंह जोधा के बारे में। उन्होंने लिखा है, संघ शक्ति कलयुगे, हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। मेरे भाई मोती सिंह का इस त्याग और बलिदान के लिए तहे दिल से आभार। भविष्य में जब भी मारवाड़ का इतिहास लिखा जाएगा, तब आपको महान वीर, अमर बलिदानी और मेरे जीवन के आदर्श वीर दुर्गादास राठौड़ की तरह एकता और अस्तित्व को बचाने वाले एक मजबूत स्तंभ के रूप में याद किया जाएगा। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि अरविंद सिंह और आप मिलकर आने वाले समय के बहुत ही शानदार कार्य करेंगे और समाज एवं देश का नाम रोशन करेंगे। तो रविंद्र सिंह भाटी ने एकता का प्रतीक बताया मोती सिंह जोधा को। काफ़ी दिनों से जो जद्दोजहद चलती आ रही थी और मोती सिंह जोधा निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे ये ऐलान किया था, और जिस तरीके से उनके ऐलान के बाद में सारा जो घटनाक्रम चला, काफ़ी दिनों से रविंद्र सिंह भाटी खुले मंचों से भी मोती सिंह जोधा को साथ आने का न्योता दे चुके थे और समाज के प्रबुद्धजनों के बीच में मीटिंग भी चली थी, कई बार वार्ताएं हुई, और उसके बाद में आज सारा सब कुछ आज फैसला हो गया। आज मोती सिंह जोधा ने समाज के फैसले का मान रखते हुए अरविंद सिंह भाटी को समर्थन किया। अरविंद सिंह भाटी इस बार SFI से प्रत्याशी हैं और समाज के इस फैसले को जो मान सम्मान दिया मोती सिंह जोधा ने, उस त्याग उस बलिदान के लिए सभी लोग उनकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। सभी उनकी सोशल मीडिया पर लगातार जो तारीफें कर रहे हैं, वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने भी करा है। रविंद्र सिंह भाटी ने उनको दुर्गादास राठौड़ की तरह एकता और अस्तित्व को बचाने वाला एक मजबूत स्तंभ बताया है और कहा है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, आपने जो काम किया है उसके लिए सभी आपको हमेशा याद रखेंगे और आगे आप शानदार कार्य करेंगे। अरविंद सिंह भाटी शानदार कार्य करेंगे, हम यही चाहते हैं। और सबसे बड़ा मैसेज जो रविंद्र सिंह भाटी ने दिया शुरू में, उन्होंने लिखा कि संघे शक्ति कलयुगे, हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। कहीं ना कहीं अब अरविंद सिंह भाटी की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ गई है चुनाव में, और अब मुकाबला और भी ज़बरदस्त हो गया है, मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। अब अरविंद सिंह भाटी को टक्कर देना और जो बाकी प्रत्याशी हैं उनके लिए थोड़ी अब मुसीबत खड़ी हो सकती है, वो अब सोच विचार करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब दो प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी एक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी जो मेन जो दो संगठन हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, वो अब कुछ अलग से सोचेंगे या कुछ प्लान करेंगे। और बाकी की लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए लगातार जयपुर वॉइस के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।